हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम और आप सभी को वेलकम करता हूं आज एक नए गाड़ी के रिव्यू पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो सभी है पल्सर N250। बजाज इसको बिगेस्ट पल्सर ऑफ द सेगमेंट कह के लॉन्च किया है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो बजाज पल्सर के सेगमेंट में यह सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि यह 250 सीसी का है। इसके नीचे आपको 220F या 200NS यह सब मिलता है, लेकिन आपको 250 सेक्शन पे यही बस मिलता है। तो ये बजाज ने बिगेस्ट पल्सर ऑफ द सेगमेंट कह के लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं ये अपने सेगमेंट पे बिगेस्ट है या नहीं। सो शुरुआत करते हैं गाड़ी के की से। ये रहा की, आप देख सकते हो की ये कुछ वेब डिजाइन में आपको मिलता है, और इसके ऊपर आपको बजाज का लोगो मिल जाएगा। सो ये रहा गाड़ी। पहले गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, की इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे की इंसर्ट करने के बाद इसका सुंदर सा DRL यहाँ पे जल जाता है। आप देख सकते हो पूरा इल्यूमिनेट डिजाइन का इसका DRL है, और सामने आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर बेस LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। हमने सोचा था कि इसके अंदर शायद हेलोजिन वाला बल्ब दे देंगे बजाज वाले, क्योंकि LED अभी तक डोमिनर का छोड़ के और भी गाड़ी पर LED लाइट नहीं है अभी तक बजाज का। तो थम्सअप बजाज इस गाड़ी पर LED हेडलाइट का सेटअप देने के लिए। सो गाड़ी का कलर के बारे में बात करें तो ये है अभी जो गाड़ी हमारे पास है टेक्नो ग्रे कलर में, और इसके साथ और एक कलर वेरिएंट आपको मिल जाएगा स्पोटी रेड, और ये ग्रे कलर में मस्त लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो अंधेरे में ये थोड़ा ब्लैक साइड में दिखता है और उजाले में ग्रे कलर दिखता है। सो अभी देखते हैं इसके सामने आपको क्या क्या मिल जाता है। आप सामने का मोड फ्लैप अगर देखोगे तो आपको ये डुअल डिजाइन में मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कट है, ये नीचे का अलग पार्ट है, ऊपर का ये ग्रे वाला पार्ट अलग है। और टायर साइज की अगर बात करेंगे तो आपको मिल जाता है 180 and 17 inch का टायर। ये सेम ही एलॉय रिम है जो आपको NS160 और NS200 पे मिलता है। और पीछे वाला टायर की बात करेंगे तो आपको पीछे मिल जाता है 130/70 और 17 inch का रिम है। ये दोनों आगे और पीछे वाला टायर आपको ट्यूबलेस में मिल जाता है, MRF ट्यूबलेस टायर, और ये नाइलो ग्रिप जिपर पैटर्न में है। आगे वाला टायर भी सेम पैटर्न का है। और अभी बात कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में। अब आपको सामने मिल जाता है मस्त वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ये ना कि सॉफ्टर साइड में ना कि हार्ड साइड पे, ये मीडियम ही है, यानी आपको राइड क्वालिटी मस्त मिलता है इसके ऊपर। और अभी बात कर लेते हैं इसका पिछला वाला सस्पेंशन के बारे में। आपको यहाँ पे सिंगल सस्पेंशन यानी मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि 5-way एडजस्टेबल है। अब यहाँ पे रिंग दिया है इसको एडजस्ट करने के लिए, अब इसे आराम से सॉफ्ट से लेकर हार्ड साइड तक आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, बात करें तो आपको सामने मिल जाता है 300mm का डिस्क ब्रेक, यानी इस पर आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। और पीछे अगर देखेंगे, पीछे वाला ब्रेक देखेंगे तो आपको पीछे 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और पीछे ये ABS रिंग नहीं है। यहाँ पे जो रिंग दिख रहा है ये बस सेंसर है डुअल ब्रेकिंग सिस्टम का। और पीछे पीछे से लुक कुछ इस तरह है, आप यहाँ पे देख सकते हो टेल लाइट का सेटअप आपको LED पे मिल जाता है, और ये कुछ ग्लिटर डिजाइन का है। जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये और थोड़ा ब्राइट हो जाता है। वहाँ पे इंडिकेटर LED में मिल जाता है, वेल्डन बजाज, क्योंकि सभी रिफ्लेक्टर बेस हेलोजिन लाइट देते हैं लेकिन ये आपको LED लाइट देते हैं। परप्लेट रीडिंग के लिए आपको यहाँ पे एक हेलोजिन बेस लाइट दिया है, और फिर आपको मोड फ्लैप मिल जाता है। एज यूजुअल हर NS और पल्सर की तरह इसके अंदर आपको एक लोहे का सपोर्ट मिल जाता है, और ये प्लास्टिक का ऊपर का कवर प्लास्टिक का है। और आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाता है, और पिलियन का फुटरेस्ट कुछ इस तरीका का है। यहाँ पर आपको ग्रिप नहीं मिलता है, लेकिन सामने आपको ग्रिप मिल जाता है, क्योंकि राइडर को भी ग्रिप की ज़रूरत है, पीछे वाले को तो बस पैर टिका के यहाँ पर बैठना है, तो यहाँ पर ग्रिप नहीं मिलता है। सो अभी बात कर लेते हैं आपको यहाँ क्या मिलता है। यहाँ पर आपको एक रेडिएटर मिलता है, जी हाँ, इसके अंदर आपको एक लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक सिंगल हॉर्न ही सिंगल मिलता है,
और नीचे का काउल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम फ्रंट वाला डिजाइन यहाँ पे कैरी ऑन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे वाला पार्ट अलग है और ये रेड वाला पार्ट अलग है, लेकिन ये प्लास्टिक पे अगर कुछ भी लगेगा तो ये टूटने का चांस है नीचे से। और अभी इंजन स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर मिल जाता है एक 249 cc का लिक्विड कूल इंजन जो कि आता है 24 BHP पावर के साथ। वही सेम वाला DTSI टेक्नोलॉजी का इंजन है और इसके साथ आपको मिलता है एक 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि इस तरफ है, आता है 1 down और 4 up के साथ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी दे दिया है कि आप कैसे इसका गियर चेंज कर सकते हो, 1 नीचे और 4 ऊपर। सो इसका सीट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है डुअल कोड वाला सीट, आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है, देख सकते हो पीछे वाला सीट अलग है आगे वाला सीट अलग है। NS पे जैसे यहाँ पे होंप मिलता है, यहाँ पे इस गाड़ी पे भी आपको यहाँ पे एक होंप मिल जाता है जिसके दौरान आप जब पीछे बैठोगे पिलियन की तरह तब आप आगे नहीं खिसकोगे। और इसका ग्रैप रेल कुछ इस तरीके का एल्यूमिनियम का मिलता है। और सीट खोलने के लिए इसका की आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका की यहाँ पे लोकेटेड है। सो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट मिल जाता है डुअल बैरल वाला, यहाँ पे DB कूलर भी दिया है इसके अंदर। तो गाड़ी का इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनते हैं कैसा है। भाई स्टार्ट करो। इसका साउंड बहुत ही स्पोर्टी है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड के बारे में, यानी आप जब बैठोगे तो आपको कैसा फील होगा गाड़ी देखने में। कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है। आप जब की ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। सो आपको यहाँ पे एक एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिल जाता है, लेकिन दूर से देखने में ये एनालॉग नहीं लगता है क्योंकि इसको पूरा फ्लैट बना दिया, तो कोई भी दूर से देखेगा तो उसको ये भी डिजिटल ही लगेगा। सो पल्सर का यही पहचान है कि यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल कंबाइंड ही मिलता है। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको शो कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ABS लाइट शो कर रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है और डिजिटल स्पीडोमीटर के ऊपर बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, जैसे स्पीडोमीटर यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ा है इसलिए नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाता है गियर इंडिकेटर, वेल डन गियर इंडिकेटर इस बार दे दिया गाड़ी में, क्योंकि NS और बाकी सारे गाड़ी में गियर इंडिकेटर नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता अभी गाड़ी कौन से गियर में है। और यहाँ पे फ्यूल लेवल इंडिकेटर, यहाँ पे टाइम मिल जाता है और यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाता है। ट्रिप को सेट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया है और टाइम को सेट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया है। और इस तरफ आपको सारा चेक स्विच मिल जाता है, जैसे कि बैटरी, इंजन और इंजन ऑयल का, और ऊपर आपको पास का यहाँ पे स्विच मिल जाता है, जब आप यहाँ पे पास दोगे तो ऐसे जलता है। तो अभी बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। ये आपको सिंगल हैंडल बार डिज़ाइन में मिलता है, जैसे कि आप NS पे देखे हुए उसके अंदर आपको स्प्लिट हैंडल बार मिलता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल पल्सर की तरह इसके अंदर एक सिंगल हैंडल बार दिया है। राइट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे थ्रोटल मिलता है और ये रहा इंजन किल स्विच, यहाँ पे ये इग्निशन का स्विच है, इसको दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है यहाँ पे ये रहा हेड डिपर का स्विच, पास यूजल इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फोन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पास स्विच मिल जाता है, ये गाड़ी पास लेने के लिए आपको मदद करता है। और एज यूजल एक क्लच और इस तरफ सामने का ब्रेक और ये सामने डिस्क ब्रेक का लिक्विड रिजर्वायर। इस गाड़ी पे अभी फ़िलहाल आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आप अपना मोबाइल आराम से चार्ज कर सकते हो, इसी चीज़ का कमी था और ये दे दिया। और आपको यहाँ पे मिल जाता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक, ये कुछ नॉर्मल फ्यूल टैंक की तरह ही खुलता है, यहाँ से आप इसको खुल सकते हो आराम से, और लॉक करना है तो बस दबा दीजिए ये लॉक हो जाएगा। तो अभी देखेंगे ये गाड़ी चलने में कैसा है और इसका थोड़ा राइड इंप्रेशन देखेंगे कि कैसा है। सो की यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दिया,
ये इस तरीके के आपको वेलकम करता है। तो चलिए पहले इसको चला के देखते हैं कैसा है गाड़ी। और इसके अंदर आपको स्टैंड कटअप मिलता है, आप अगर स्टैंड लगाए रखे हो गाड़ी पे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले स्टैंड को उठाते हैं, साइड स्टैंड, और गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, डालते हैं एक नंबर गियर पे और चलते हैं। तो गाड़ी के बारे में पहला इम्प्रेशन ये है कि गाड़ी बहुत ही स्मूथ है चलने में। और इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया चीज़ गियर इंडिकेटर मिल जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि कई बार आप भूल जाते हो कि गाड़ी चलाते हो गाड़ी कौन से गियर पे है, तो वो वाला प्रॉब्लम आपको इस पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसका टेकोमीटर भी बहुत ही शानदार है। ये गाड़ी नया है लेकिन आपको वही ओल्ड जनरेशन वाला पल्सर का फील देगा, क्योंकि इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग वाला सिस्टम मिल जाता है। और गाड़ी अभी 40 के स्पीड पे है, इसको ज़्यादा तेज नहीं भगाएंगे क्योंकि हम प्रॉपर गियर्ड अप नहीं है। आपको हर वीडियो पे बोलता हूँ कि आप प्रॉपर गियर्ड अप हो के गाड़ी को ज़्यादा स्पीड पे चलाओ, नहीं तो ये रिस्की हो सकता है आपके लिए भी। कनेक्टेड हो चुके हैं NH के ऊपर, तो अभी मैंने डाला दो नंबर गियर, तो गाड़ी पिकअप मस्त पकड़ता है। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा यह कैसे स्पीड पकड़ ले रहा है। तो इसका सस्पेंशन अगर हम देखेंगे तो यह थोड़ा सॉफ्टर और थोड़ा हार्ड है, मतलब मीडियम साइड पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको चलाने में, ये आराम से आपको रोड पे चिपका के चलेगा। तो वाइब्रेशन की बात करूँगा तो हैंडल बार पे थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी अभी लगभग 55-60 के स्पीड पे चल रहा है लेकिन थोड़ा भी वाइब्रेशन आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा। तो इसका एक मस्त वाला फीचर ये है कि आप एक्सलेटर छोड़ दो तीन नंबर गियर पे, ये अपने आप क्रॉलिंग करेगा। देखो ये कम हो रहा था इसका स्पीड, 17 तक गया, फिर अपने आप 18-19 तक आ गया। ये फीचर सिर्फ TVS पे आता था लेकिन अभी पल्सर पे ही आ गया ये। तो इस गाड़ी के ब्रेकिंग के बारे में बात करूँगा तो आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, तो ब्रेकिंग के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। गाड़ी के बारे में फाइनल कंक्लूजन ये है कि अभी 250 सेगमेंट में इंडिया में मिलने वाले सारे गाड़ियों के बीच में ये एक यूनिक गाड़ी है, और आप ये गाड़ी आराम से ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको एक लाइट क्लच मिलता है जिसके दौरान आप इसको मार्केट सिचुएशन पर आराम से चला सकते हो और सिटी राइड आराम से निकाल सकते हो। लॉन्ग टूरिंग के लिए भी ये परफेक्ट है, इसका सीटिंग पोस्चर भी मस्त है। सो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपका अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग एंड वॉचिंग, बाय बाय।